वीडियो इज अबाउट अप्रैल 2021 क्यू कार्ड। कुछ क्यू कार्ड इसमें न्यू है और कुछ क्यू कार्ड ओल्ड ही है। चांसेस हैं अप्रैल में आपको भी ये क्यू कार्ड पूछे जाएं। तो इस वीडियो में हम आपको आइडियाज देंगे इन क्यू कार्ड पे। फर्स्ट क्यू कार्ड है, टॉक अबाउट अ फ्रेंड यू गॉट इन टच विद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विदाउट कॉन्टेक्ट। हु ही शी इज, हाउ यू गॉट इन टच विद हिम हर, हाउ यू लॉस्ट कॉन्टेक्ट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट हिम हर। इस टॉपिक में देखिए क्या है, समबडी यू वर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद एंड सडनली यू मेट दैट पर्सन और यू गॉट इन कॉन्टेक्ट विद दैट पर्सन, यू फाउंड दैट पर्सन ऑन सोशल मीडिया। तो आप इसमें उसके बारे में बात कर सकते हैं कि किसी से आप काफ़ी टाइम गैप के बाद मिले या उसके साथ आपका दोबारा कॉन्टेक्ट बन गया। सेकेंड क्यू कार्ड जो है वो है, टॉक अबाउट अ प्लेस इन अनदर कंट्री वेयर यू वुड लाइक टू वर्क फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब इस क्यू कार्ड में आप क्या बता सकते हैं, व्हाट प्लेस इट इज, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू वुड लाइक टू डू, व्हेन यू वुड लाइक टू गो देयर, व्हाई यू वुड लाइक टू वर्क देयर। इसमें आप देखिए, कुछ लोग कहेंगे हम यूके में जाना चाहते हैं, कोई कहेगा ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको रीजन देना होगा कि पर्टिकुलर कंट्री में कौन सी जॉब आप शॉर्ट टाइम के लिए करना चाहते हैं और व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दैट जॉब ओनली। जॉब कोई भी हो सकती है, जो भी आपकी चॉइस की हो। थर्ड टॉपिक इज, टॉक अबाउट अ रीसेंट प्रॉमिस यू मेड, व्हाट यू प्रॉमिस, टू हूम यू मेड द प्रॉमिस, व्हाई यू मेड दैट प्रॉमिस एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दैट प्रॉमिस। इसमें देखिए, अब आप बोल सकते हैं कोई भी आपने किसी को कोई वादा किया है, प्रॉमिस किया है, और कैसे आपने क्यों किया पहले तो, व्हाई एंड टू हूम एंड हाउ यू फील, वेदर यू हैव केप्ट दैट प्रॉमिस और यू ब्रोक दैट प्रॉमिस। पर इसमें तो आप वही बोलेंगे जो प्रॉमिस आपने रखा हो और निभाया हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज, टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू स्पोक अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम। प्लीज से व्हाट लैंग्वेज इट वॉज, विद हूम यू स्पोक एंड व्हाट यू सेड, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। इसमें कई स्टूडेंट इंग्लिश के बारे में बोलते हैं, इंग्लिश इज नॉट अ फॉरन लैंग्वेज फॉर अस बिकॉज वी आर यूजिंग इट सिंस आवर चाइल्डहुड, सेकेंडली इट हैज बिकम आवर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। वेन वी नो दैट वी आर यूजिंग इंग्लिश फॉर एवरी वर्क, हाउ कैन वी से दिस इज वी आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश यू स्टार्टेड इट इन चाइल्डहुड, हाउ कैन यू से हाउ यू फेल्ट अबाउट, बिकॉज यू डोंट रिमेंबर, एज यू डोंट रिमेंबर वेन यू एग्जैक्टली स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश। नेक्स्ट टॉपिक इज, टॉक अबाउट योर फेवरेट वेदर, व्हाट वेदर इज योर फेवरेट, व्हाई इट इज योर फेवरेट, what you do during this weather, explain how this weather affects you. See, अब इस टॉपिक में क्या करते हैं स्टूडेंट, they start talking about season. बात हमें सीजन की करनी है, but we have to start with weather. Hot weather, cold weather, moderate weather, pleasant weather. You can talk about the season later, but you can't talk about like, I like summer season, I like winter season. You must talk about the weather. तो यहाँ ध्यान रखिए, अदरवाइज अंदर आपने सारा स्टफ वही बोला है, व्हाई यू लाइक कोल्ड वेदर, व्हाई यू लाइक हॉट वेदर, एक्टिविटीज, क्लोथिंग, फूड, व्हाटएवर यू वांट टू टॉक अबाउट। नेक्स्ट टॉपिक इज, डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। दिस इज वेरी ओल्ड टॉपिक, यू शुड से हु दिस पर्सन इज, हाउ डू यू नो अबाउट दिस पर्सन, हाउ दिस पर्सन बिकेम फेमस, एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक दिस पर्सन। इसमें आप यू कैन टॉक अबाउट एनी पॉलिटिशियन, एक्टर, क्रिकेटर, सिंगर, whosoever is very famous, but you should choose the person about whom you know. For example, if I start talking about Virat Kohli or if I start talking about Michelle Obama, but I don't know much about them, then I will lack the ideas or words while talking. So it's better to select a person about whom you know more. For example, in India, if we talk about, everybody knows about Sachin Tendulkar. So we can talk about his achievements, how he became famous, his struggle, his childhood, now what he is doing. We all are aware about the awards he has got. I'm not saying you should talk about only Sachin Tendulkar. You can choose any international or national personality, but you must have little knowledge about that person, just not the name. Next topic is, describe an occasion when you ate a kind of food for the first time.
what you had, where you had, what it was, how you felt. Here you can talk about any particular food. This we have discussed earlier also in our last month's cue card. Here you can talk about any Indian, North Indian, South Indian, or Mexican, Italian, Chinese, Japanese, any food you tried for the first time and how was your experience. Next is, describe a time when you received good news. What it was about, who told you the news, when did you know it, how did you feel about it. See, you have to talk about particular time when you received that news and what it was about exactly. The news was about your achievement, somebody else's achievement, any news related to your family member or any, you can say, birth of a child, anything you can talk about. It should be a good news and you were excited about it, how you celebrated the news. Next topic is, describe an ambition you have for a long time. What it is, what did you do for it, when can you achieve it, and explain why you have this ambition. Please make sure, as you know, all the topics, most of the topics are in past. Randomly isko start mat kar dena. You have for the long time. Aur abhi aapne achieve nahi kiya. Unhone kaha, when can you achieve it? Why you have this ambition? So aapne aise ambition ki baat karni hai, which you are planning to achieve in coming future. Next topic is, describe a thing you bought and you are happy about. What it is, why you bought it, why you have selected this product, from where you purchased it, and explain why you are happy about it. In this, you have to talk about any product you have bought and you are happy. You can talk about any house, you can talk about any household item, gadget, or anything related to clothing, footwear, why you bought, why you needed that item, so that you can speak more on this topic. Agar aap randomly koi bhi product chun lenge, to aapko pata nahi kyun kharida aur iske kya benefits hai. So it will be like you will be out of words. So it's better to choose the lines or the product about which you can talk about. Next topic is, talk about a person who wears unusual clothes. ये टॉपिक आपको पता ही है, हमने भी बहुत बार डिस्कस कर लिया है. ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है लास्ट टू मंथ्स में और इस मंथ भी पूछा जा रहा है. कोई भी ऐसा इंसान जो अजीब और गरीब कपड़े पहनता है. यू कैन टॉक अबाउट एनी पर्सन हु वियर्स अनयूजुअल क्लोथ्स, मीन्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ क्राउड. हेयर यू कैन टॉक अबाउट अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन ट्रेंड्स, दे वियर डिफरेंट और यूनिक टाइप ऑफ क्लोथिंग, मे बी दे डिजाइन देमसेल्फ और they select it. Next is, talk about a time when someone said something that annoyed you. Again, ये topic भी repeat हो रहा है काफी. कौन था वो बंदा, किसने क्या कह दिया जिससे आप annoyed हुए. इसमें भी आप कोई भी ऐसी बात कह सकते हैं, आपसे related, आपकी family से related, आपके education, career, choices से related. किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप annoyed हो गए और फिर आपने क्या किया उसके बाद. You can talk about that. Next topic is, talk about a recent decision you made. What decision you made, why you made it, what were the effects of that decision, and explain how you felt about that decision. See, in this topic you have to talk about a decision you already made and you know what were the results. जैसे कि आपने कुछ decide किया, कुछ career pursue करने का किसी field में या कहीं move होने का, और already आप move हो गए, फिर उसका क्या benefit रहा या नहीं रहा आपने proper बताना है. कि कोई भी recent decision जो आपने किया और उसके क्या circumstances रहे. Next topic is, talk about a skill you can teach other people. Here they have not given any option that any particular skill you have to talk about. So you can talk about any skill. It can be driving, swimming, anything. What skill it is, how you learned it. First you have to tell how you learned it. आपने कैसे सीखी, फिर आप कैसे सिखाओगे दूसरे को, और कैसा आपको इस स्किल के बारे में लगता है, क्यों आप यही स्किल सिखाना चाहते हैं. कुकिंग भी हो सकती है, it can be stitching also, and it can be anything else. Talk about a time when you got bored. ये topic भी पूछा गया है April के first week में. When you got bored, what were you doing at that time, why you got bored, what you did to overcome the boredom. See, इसमें आपने क्या बोलना है, कोई भी ऐसी situation जब आप bored हो गए, जैसे आप किसी friend के साथ किसी wedding को attend करने गए और वहाँ आपको कोई जानता नहीं था, आप बड़े बोर हुए, सेरेमनीज भी नहीं इंजॉय की, या आपके घर में कोई गेट टुगेदर थी, वहाँ ऐसे लोग थे जो ऐसे टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, आप बोर हो गए. फिर उससे बचने के लिए आपने क्या किया, फ़ोन यूज़ किया या किसी को कॉल लगा ली या गेम खेलना शुरू कर दिए.
क्योंकि इसमें लास्ट पॉइंट है कि आपने कैसे ओवरकम किया, तो आपको सोल्यूशन भी बताना है, पहले रीजन क्यों बोर हुए, फिर उसका आपने क्या सोल्यूशन निकाला। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉक अबाउट समवन यू नो हु इज वेरी एक्टिव, हु दिस पर्सन इज, हाउ यू नो हिम हर, व्हाट ही शी डज टू रिमेन एक्टिव एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट हिम हर। आप देखिए टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई पर्सन जिसको आप जानते हो बहुत एक्टिव है, इसमें बहुत इजी है, यू कैन टॉक अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स, यू कैन टॉक अबाउट योर ओन पेरेंट्स ऑल्सो, काफ़ी एक्टिव हैं डेली, वो अर्ली मॉर्निंग दे लाइक गेट अप, दे गो फॉर वॉक जॉगिंग, और वो सारा दिन एक्टिव रहते हैं, इवनिंग तक उनकी एनर्जी को रादर हम यंगस्टर मैच नहीं कर सकते, यू कैन टॉक अबाउट दैट। अदरवाइज इसमें उन्होंने ओल्ड पर्सन नहीं कहा, वो टॉपिक एक और था कि ओल्ड पर्सन हु इज़ वेरी एनर्जेटिक, सी यहाँ उन्होंने समवन यू नो हु इज एक्टिव, इसमें डजंट मैटर द पर्सन इज ओल्ड और यंग, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। आप इसमें अपने एक फ्रेंड की भी बात कर सकते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, सुबह से शाम तक उसकी एनर्जी ड्रॉप ही नहीं होती, बहुत एक्टिव है लेकिन वो फिटनेस के लिए क्या करता है, यू कैन टॉक अबाउट दैट, कौन सी एक्टिविटीज ताकि इसको थोड़ा आप लेंदी कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉक अबाउट योर ड्रीम जॉब, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन दिस जॉब, व्हाई डिड यू चूज दिस जॉब, why it is important for you to have this job, why do you think it is the best job for you, again this is very interesting topic, jo bhi dream job hai aapki, jo job aap karna chahte hain life mein, yahi mauka hai is time aap bata sakte hain, hum mein se kai log hain jinki dream job kuch aur thi wo kar kuch aur rahe hain, to yahi mauka hai aap apni dream job ko aap explain kar sakte hain ki aap wo kyun karna chahte the, aapka kya reason hai ya kyun karna chahte ho sir, आप वो बता सकते हो कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, क्या आपका ड्रीम है और क्यों आपको यही जॉब पसंद है। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉक अबाउट अ शॉर्ट ट्रिप जर्नी यू ऑफन टेक बट यू डोंट लाइक, अब ये टॉपिक है इसके बारे में कि कोई आप शॉर्ट जर्नी या ट्रिप करते हैं जो आपको पसंद नहीं है पर आप उसको करना पड़ता है, तो इसमें आप रीज़न दे सकते हैं कि कहीं आपको जाना पड़ता है, इट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क स्टडीज या किसी और काम से आपको जाना पड़ता है पर आपको पसंद नहीं है, रीज़न क्यों नहीं है, पसंद क्यों नहीं, क्योंकि वो एरिया ऐसा है या आपको डिफ़िकल्टी आती है जब भी वहाँ आप जाते हैं, जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कार्स आर नॉट अलाउड या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ओनली ऑप्शन है, तो आपको लगता है आपके लिए बहुत टायरिंग हो जाता है, तो यू कैन टॉक अबाउट। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉक अबाउट वन वैल्यूएबल थिंग योर फैमिली केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट वाज इट, व्हाट डिड इट लुक लाइक, व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द फैमिली एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दैट थिंग, सी व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, यू कैन टॉक अबाउट एनी पीस ऑफ ज्वेलरी, कॉइन, सोर्ड और एनीथिंग एल्स, इट कैन बी old car, vintage car or old radio also. So why your family has kept, what kind of memories associated with it, you can talk about anything which your family has kept. अगर किसी की family के पास कुछ नहीं है तो भी वो कुछ imagination से बना के बोल सकते हैं क्यों वो particular thing उन्होंने रखी हुई है इतने time से और क्या उसकी वैल्यू है उनके लिए, कितनी अटैचमेंट है एंसेस्टर्स से उसके थ्रू। सो दीज आर द टॉपिक विच आर एक्सपेक्टेड इन अप्रैल 2021। हम एक और ऐसा वीडियो लेके आएंगे अप्रैल में अगर कोई न्यू टॉपिक्स अपडेट हुए। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।